स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसे रेल प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है जीरीबाम इम्फाल नई रेलवे प्रोजेक्ट। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेलवे एक ऐसा पुल बना रहा है जो कुतुब मीनार से भी ऊँचा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको बता दें भारतीय रेलवे 110 किलोमीटर लंबे जीरीबाम इम्फाल रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को पूरा होने पर इम्फाल रेलवे के जरिए देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 12,524 करोड़ रुपये है। इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस रूट पर जो सुरंगें बनाई गई है उनकी कुल लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। वहीं पर इस रूट पर 139 ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। जीरीबाम इम्फाल नई रेल लाइन लगभग 111 किलोमीटर लंबी है। ये रेल लाइन मणिपुर की राजधानी इम्फाल को राज्य के पश्चिमोत्तर शहर जीरीबाम से जोड़ेगा। इस परियोजना की शुरुआत 2008 में शुरू हो गई थी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13,809 करोड़ रुपये है। इस लाइन पर कुल 45 सुरंगें हैं। इसमें एक सुरंग की लंबाई 10 किलोमीटर होगी। ये सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी। इस सुरंग को बनाने के लिए ऑस्ट्रियल टनलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीरीबाम में पुल संख्या 53 इम्फाल नई रेल लाइन परियोजना का निर्माण बराक नदी पर किया जा रहा है, जिसे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। यह पुल बेहद ही खतरनाक स्थान, जहाँ पर सबसे ऊँचे पिलर्स की ऊँचाई 75 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊँची है। आपको बता दें कुतुब मीनार की ऊँचाई 73 मीटर है। हिमालय पहाड़ी के इलाके में यह जीरीबाम इम्फाल नई लाइन परियोजना एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है, जिसमें 47 सुरंगें 156 पुल शामिल है, जिनमें 141 मीटर ऊंचे घाट पुल भी शामिल है। इस रेल लाइन के माध्यम से कुल 9 स्टेशनों को जोड़ा जाएगा, जिसमें जीरीबाम, कांबिरोन, खोंगसांग, तुपुल, हाचिंग रोड, कैमाई रोड, थिंगोन, नांदी और इम्फाल शामिल है। इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने से आसियान देशों से कारोबार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य आसियान देशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट जरूर कीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाइए। मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।